यातायात पुलिस ने छात्रों को पढ़ाया सुरक्षा पाठ, यातायात नियमों का पालन करने के लिए किया जागरूक। खबर चंदौली से, जहां निदेशक यातायात उत्तर प्रदेश के दिए गए निर्देश के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नोडल यातायात सुखराम भारती और क्षेत्राधिकारी यातायात कृष्ण मुरारी शर्मा के निर्देशन में TSI लाल बहादुर पांडेय और हे शून्य का शून्य यातायात सौरभ ओम प्रकाश द्वारा MDS पब्लिक स्कूल चंदौली में लगभग 52 विद्यार्थी और स्कूल स्टाफ को यातायात जागरूकता के अंतर्गत वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग, दोपहिया वाहन पर 3 सवारी, ओवर स्पीड से चलने पर होने वाली दुर्घटना सहित अन्य बिंदुओं पर जागरूक किया गया। वहीं स्कूल के बच्चों को डिजिलॉकर ऐप का प्रयोग और सड़क दुर्घटना होने पर गोल्डन हावर में घायल को अस्पताल पहुंचाने हेतु शासन द्वारा दिए गए निर्देशों से अवगत कराया गया। साथ ही साथ ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर को विद्यालय के माध्यम से प्रसारित किया गया और जागरूकता संबंधित पंपलेट और हैंड बिल भी वितरित किया गया। संवाददाता DN तिवारी की रिपोर्ट। बहुत से लोग होंगे जिनके अभिभावक होंगे कि मजदूरी करते होंगे या किसानी में काम करते होंगे, किस तरह से अपना पेट काट करके आप यहाँ तक पढ़ाने में उनका योगदान है, उनकी भी कुछ सपने होंगे कि आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मेरा भी बच्चा होगा, बच्ची होगी, अच्छे से वो करेंगे, कॉम्पिटिशन करेंगे, कल वो भी अधिकारी बनकर मेरे सामने आएंगे। लेकिन हम आप शिक्षण संस्थान में रह करके कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं जो अनैतिक कानून उसको हमको नहीं देता, परमिशन नहीं देता है कि यह कार्य करें। जैसे अभी हमारे दीवान जी ने बताया कि आप जो उम्र 18 वर्ष से कम है, कहीं पापा चले गए, भैया चले गए, आपने चाबी उठाया पढ़ते आपके शुरू कर दिए, हुआ था कि कोई दोस्त खराब मिल गए या आपको मोटरसाइकिल चली हुई है और चलो आपके घुमाते, अगर आप हाईवे पर चढ़ गए।